हेलो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आप वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड कर पाएंगे यानी कि जो इलेक्शन का जो वोटर आईडी कार्ड यानी पहचान पत्र होता है उसको आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे कोई भी ऐसा ब्राउजर को ओपन कर लेंगे ओपन करने के बाद सर्च बार में यहाँ पर डायल करेंगे एन क्या टाइप करेंगे एन वी एस पी पोर्टल यहाँ पर आप क्या करेंगे टाइप करेंगे टाइप करने के बाद देन उसके बाद या एक और भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं वोटर आई डी कार्ड डाउनलोड भी यहाँ पे टाइप करके सर्च कर सकते हैं एन एस पी को यहाँ पे पोर्टल को टाइप करने के बाद उसके बाद आप क्या करेंगे इसको सर्च कर देंगे सर्च करने के बाद यहाँ पे एन वी एस पी का यहाँ पे मेन वेबसाइट आपको दिख जाएगा यानी कि कहने का मतलब हुआ कि नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल के यहाँ पे वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा इस पर आपको क्या करना है क्लिक कर देना क्लिक करने के बाद यानी कि एन वी एस पी के यहाँ पे मेन वेबसाइट के ऊपर आप चले जाएंगे यानी पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपका दिख जाएगा डाउनलोड इलेक्ट्रॉल पी डी एफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस पर आपको क्या करना है आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे आपका न्यू पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका स्टेट यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गो के ऊपर आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर यह रीडायरेक्ट करेगा एक न्यू पेज पे यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा रीडायरेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा इंटरफेस होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेंगे जूम करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन मांग रहा है फिर असेंबली सीगमेंट यहाँ पे आपका मांग रहा है यानी कि कि असेंबली सीगमेंट आपको कहाँ कहाँ पड़ता है यहाँ पे आपका देखने को मिल जाएगा यानी जो भी आपका असेंबली सिगमेंट होगा यहाँ पे आप सेलेक्ट कर देंगे सेलेक्ट करने के बाद देन उसके बाद आप यह रिफ्रेश होगा रिफ्रेश होने के बाद देन उसके बाद आपको क्या करेगा यहाँ पे पार्ट नंबर यहाँ पे आपका सिलेक्ट कर सेलेक्ट करना है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है जो भी आपके नियर का जो बूथ सेंटर होगा उस पर आपको क्या करना है क्लिक कर देना है बूथ नंबर पे आपको क्या करना है क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड है उसको यह जो कैप्चा कोड है उसके यहाँ पे इस वाले बॉक्स में आपको क्या करना है फिलअप कर देना है कैप्चा कोड को फिलअप करने के बाद देन उसके बाद आपको क्या करना है व्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपका यह यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड यहाँ पे आपका मांगेगा यहाँ पर आपका करना डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपका यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है स्टार्ट होने के बाद यह पीडीएफ फाइल में यह ओपन हो जाएगा पी फाइल में ओपन होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपका वोटर आई कार्ड आपके एरिया का जितना भी वोटर आई कार्ड है यहाँ पर आपका डाउनलोड हो चुका है रेंडमली कोई एक हम पे यहाँ पर इसमें आपको क्या करना है अपना जो भी आपका वोटर आई कार्ड होगा यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे या आप इसमें आप ढूंढ सकते हैं जो भी इसमें आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर होगा इसमें आपका मिल जाएगा नेम से ही मिलेगा आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर कोई भी रैंडमली एक कोई हम ले करके आपको समझा दे रहे हैं क्या क्या इसका प्रोसेस है रैंडमली हम कोई एक लेते हैं वोटर आई डी कार्ड देख सकते हैं यहाँ पे आपका निर्वाचन का यहाँ पे नाम हो हो गया उनका पिता का नाम हो गया गृह संख्या आपका हो जा रहा है यहाँ पे आपका कितने वर्ष का हुआ है और कौन सा जेंडर है यहाँ पे देख सकते हैं और जो यह नंबर आपका जो दिख रहा है ये वाला यही आपका वोटर आई कार्ड नंबर है देन उसके बाद नीचे यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे फोटो आप अटैच कर सकते हैं मेन यही आपका वोटर आई कार्ड नंबर है तो दोस्तों इस प्रकार से आप वोटर आई कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ तब तक लिए खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया